क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन, टेंथ क्लास का एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड का फर्स्ट देखिए। इसमें लिखा है चूज द करेक्ट आंसर, आपको आंसर चूज करना है। कभी कभी जरूरी नहीं कि चूज द करेक्ट आंसर में आए, आपको एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन करना होता है क्योंकि वो किसी फॉर्म में आ सकता है। लिखा है 2 10 30, तो 2 × 10 30 वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन 1+1/√3 का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, सिर्फ वैल्यू पुट कर दिया, क्लियर। तो 2/√3 तो एडिट इज लिखेंगे यहाँ पर 2/√3 अपॉन 1+1/√3 का कितना होता है 3। अब यहाँ पर लेंगे एलसीएम, तो 2/√3 एडिट इज अपॉन 3 एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा 3+1, तो क्या बचा 2/√3, ये जाएगा उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके 3/4 टू से कैंसिल हो गए, 2 × 2 = 4 और √3 से √3 बार कैंसिल, तो क्या बचा √3 अपॉन। अब √3 अपॉन 2 कई वैल्यू होती हैं लेकिन इसमें ऑप्शन दे रखा है कि कौन सी किसकी होगी, तो ऑप्शन के हिसाब से sin 60 वैल्यू होगी, किसकी होगी sin 60। ऑप्शन जो दे रखा है sin 60 वो ए है, क्लियर। अब इसमें देखिए सेकंड वाले में 1 − 10² 45, 1 − 10² 45, 10 45 का वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आपको 1 का स्क्वायर अपॉन 1+1 का स्क्वायर और 1 − 1 अपॉन 1+1, 1 − 1 कितना हुआ 0 अपॉन इट मीन्स 0, कितना है 0, ऑप्शन में 0 है तो आंसर आपका 0 आ गया, डी ऑप्शन है। अब कह रहा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 2 sin A कब होगा, इफ ए इक्वल टू 0 डिग्री हो या 30 डिग्री हो या 45 डिग्री हो या 60 डिग्री हो। पहले हम 0 रखते हैं ए इक्वल टू, इफ ए इक्वल टू 0 तो साइन, ध्यान से देखिए साइन 0 साइन स्क्वायर 0 इट्स इक्वल टू 2 sin 0, साइन 0 वैल्यू कितनी होती है 0 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड इक्वल, इट मींस ये ए इक्वल टू 0 के लिए ट्रू है। अब जो लास्ट पार्ट है वो देखिए, फोर्थ पार्ट देखिए, 2 10 30 अपॉन 1 − 10² 30, तो 2 × 1/√3 अपॉन 1 − √3 अपॉन का होल स्क्वायर। अब 2/√3 एज इट इज अपॉन 1 − कितना होगा 1/3। देखिए मैंने अभी इससे पहले फर्स्ट पार्ट करा उससे थोड़ा मिलता जुलता है, 2/√3 एज इट इज अपॉन यहाँ पे लेंगे एलसीएम 3 − 1, वहाँ प्लस था या माइनस है, तो 2/√3 एज इट इज उल्टा हो जाएगा वहाँ पर 3/3 − 1 कितना 2, तो √3 से कैंसिल हो गया, √3 2 से 2 कैंसिल। अब √3 आ गई, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें 10 60 वैल्यू होती है जी, क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 8.2 का, इफ टेन ए प्लस बी इक्वल टू √3 एंड 10 a − b 1/√3, फाइंड ए एंड बी, ए और बी फाइंड करना है। क्या दे रखा आपको, 10 a + b = √3, 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, 10 60 की। 10 अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है जो मैंने आपको वैल्यूज वाली बताई थी वो जरूर देख लें, उस तक से ही आपको याद हो सकते हैं अच्छे से। 10 a + b एज इट इज, 10 से 10 फिनिश हो गया, a + b = 60, ये क्वेश्चन नंबर। अब 10 a − b = दे रखा 1/√3, अब 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है 10 30 की, यहाँ पर वैल्यू जरूर याद करनी पड़ेगी आपको, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो a − b = 30, ये क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहाँ प्लस के भी है यहाँ माइनस के भी है, एडिंग 1 एंड 2, a + b = 60, a − b = 30, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गए, a और a 2a = 90, देन a =
90 अपॉन 2 इट मीन्स 45। ए इक्वल टू आ गया आपका 45। ए की वैल्यू फाइंड पुट कर दीजिए फर्स्ट या सेकंड में, पुटिंग ए इक्वल टू 45 इन नंबर वन। तो ए कितना है 45 प्लस बी इक्वल टू 60, उधर भेज दीजिए 45 को, तो बी इक्वल टू 60 माइनस 45 कितना होगा बी इक्वल टू 50। ए की वैल्यू 45, बी की इक्वल टू 50। इसी टाइप का एक एग्जांपल भी है एनसीईआरटी की, इसके पीछे तुरंत जैसे आप इसको करें उसको जरूर करें, ठीक है।